इंडिया यूथ को लेकर के बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उस संबंध में आपको क्या कहना है? इसमें एक योग से सारी चीज़ें संभव हैं, योग से हम निरोग काया पा सकते हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव मेरे पास में है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। 26 लेवल में मेरे पार्टनरशिप के जिनका एज ए कम्पनी का मैं हिस्सा था, उसमें मैं बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, गोली मेरे के हर पार निकली थी, पूरा का पूरा लाइट का पूरा घट गया था, डॉक्टर्स ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, ना बचने की उम्मीद की, बच गए तो निराकल हुए, फिर डॉक्टर ने कहा कि चल फिर नहीं सकते, योग के द्वारा मैंने दोबारा अपने आप को खड़ा किया, दोबारा मैंने फिजिकल फिटनेस की तरफ भी बढ़ा, रनिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे मैराथन में हाफ मैराथन दौड़ी, फिर फुल मैराथन दौड़ी, फिर अल्ट्रा मैराथन 72 किलोमीटर की दौड़ी, फिर ट्राइथलॉन किए जिसमें 3-3 पार्टिसिपेशन होते हैं, फिर पहले आपको स्विमिंग करनी होती है, फिर साइकिल, फिर आपको रनिंग, उसके बाद फिर मैंने 72 किलोमीटर अब्दुल्ला चैलेंज था लद्दाख में, वो मैंने कम्प्लीट किया, इस फटे हुए फेफड़े के साथ ये सारी चीज़ें की, योग के माध्यम से ही मैं अपने आप को जीवंत महसूस कर पाता हूँ। और गोली लगने के बाद मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि लेफ्ट को पूरा कान को फाड़ते हुए गोली निकली थी, तो जो हमारा मेमोरी बॉक्स होता है ब्रेन वो लेफ्ट साइड में होता है, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, तो मेरी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, योग करने से मेमोरी भी काफ़ी अच्छी हुई, तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अब मैं लॉ कर रहा हूँ, एम एड भी कर रहा हूँ, तो एजुकेशन की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया, और एक फिटनेस का जो एक लेवल है उसको मैंने छूने की कोशिश की। उसके बाद मैंने अप्रैल 2018 में साउथ अफ्रीका जाकर एक आयरन मैन ट्रायथलॉन होती है जिसमें आपको 4 किलोमीटर ओपन सी स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, 42.2 किलोमीटर आपको रन करना होता है, ये टोटल डिस्टेंस आपको 3 कट ऑफ के साथ में 17 घंटे में कंप्लीट करनी होती है। तो ये योग ही था, योग से मैंने इतना अपने आप को कैपेबल बनाया कि इस पूरी डिस्टेंस को मैंने सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे और 19 मिनट में कम्प्लीट किया, ना कि एक बार 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाकर मैंने इसको कम्प्लीट किया है, और आगे और भी मैं इस तरह के इवेंट करूँगा जो कि हमारे जो युवा हैं